लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 4 जुलाई को खाली होने जा रही राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम के साथ ही मुख्यमंत्री उत्पल सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी का नाम इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। राज्य से बाहर की पार्टी के एक बड़े नेता को भी उत्तराखंड के कोटे से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खुलासा किया है कि पार्टी राज्यसभा किसे भेजेगी। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा के पास है और 1 कांग्रेस के पास। भाजपा से नरेश बंसल और अनिल बलूनी तथा कांग्रेस से प्रदीप टम्टा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें से प्रदीप टम्टा का कार्यकाल अगले माह समाप्त होने जा रहा है। भाजपा के विधायकों की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा की जीत निश्चित है। राज्यसभा भेजने के लिए कैलाश चंद्र गहतोड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय भगोड़ा के साथ ही कई अन्य नाम भी आगे चल रहे हैं। राज्य से बाहर की पार्टी के एक बड़े नेता को भी राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है, लेकिन भाजपा का स्थानीय नेतृत्व फिलहाल लोकल चेहरे पर ही अडिग है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, राज्यसभा सीट के लिए राज्य के स्थानीय नेताओं के नाम का पैनल ही हाईकमान को भेजा जाएगा। प्रत्याशी चयन पर अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि विधानसभा में सदस्य संख्या के लिहाज से इस सीट का भाजपा के पास आना तय है, इसलिए भाजपा के नेता अपने दावेदारी को लेकर काफी उत्साहित है। अगर हम अतीत की बात करें तो जब जब भी उत्तराखंड कोटे की सीट से बाहरी नेताओं को राज्यसभा भेजा गया, तब का कार्यकाल उत्तराखंड के लिए ज्यादा माफिक नहीं रहा। भाजपा और कांग्रेस से दिग्गज नेता सुषमा स्वराज, संघप्रिया गौतम, सत्यव्रत चतुर्वेदी, कैप्टन सतीश शर्मा उत्तराखंड से राज्यसभा गए, लेकिन उनके कार्यकाल में राज्य को बहुत लाभ नहीं मिला। सबसे कड़वा अनुभव कांग्रेस की ओर से राज्यसभा गए राज बब्बर के साथ रहा। 14 मार्च 2015 से 25 नवंबर 2020 तक राज्यसभा सांसद रहे राज बब्बर कभी भी उत्तराखंड की भावनाओं के साथ पूरी तरह जुड़े नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपनी निधि से भी दूसरे प्रदेशों में काफी काम कराए। आपदा के वक्त भी उनकी अनुपस्थिति सुर्खियों में रही। इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा राज्यसभा किस नेता को भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।